Hello viewers and my students, today topic of discussion is rodent ulcer. It is also called basal cell carcinoma or a tear cancer. It is ulcerative form of basal cell carcinoma which is common in face. Now let's begin. As we all know, skin is comprised of three layers: epidermis, that is the outermost or the superficial layer. Beneath it is a dermis which contains hair follicles, blood vessels and nerves. Then below it is a hypodermis which is composed of fat and connective tissue and anchors with the skin. Now what happens? Epidermis ke andar jo sabse niche wali layer hai, that is stratum basale. तो एपिडर्मिस के अंदर जो नीचे है स्टेटम बेसिले, वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है केराटिनोसाइट्स एंड मेलेनोसाइट्स का. दिस आर द सेल्स. क्या होता है, क्यूबोइडल फॉर्म शेप्ड सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड स्टेम सेल्स विच कंटिन्यू डिवाइड टू फॉर्म केराटिनोसाइट्स. दिस केराटिनोसाइट्स कंटेन अ प्रोटीन नॉन एज केराटिन, दैट्स वाई दिस सेल्स आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स. एलोंग विथ There is also melanocytes. अब ये जो keratinocytes हैं ये stratum basale में बनते रहते हैं and migrate होते रहते हैं ऊपर epidermis की तरफ. अब जब sun rays पड़ती हैं skin पे, तो sun rays send a signal to the melanocytes. Then melanocytes produce melanin. जितनी ज़्यादा sun rays पड़ेंगी उतना ज़्यादा melanin produce होगा and melanin is a deciding factor for color in a human being. अब जैसे जैसे मेलेनोसाइट्स मेलेनिन प्रोड्यूस करेंगे, ये मेलेनिन देन सेक्स में चला जाता है एंड इट इज़ देन टेकन बाय द केराटिनोसाइट्स. जैसे जैसे केराटिनोसाइट्स बनते रहते हैं स्ट्रेटम बेसिले में एंड मूव होते रहते हैं एपिडर्मिस में ऊपर की लेयर में, बिल्कुल ऊपर एपिडर्मिस में, वैसे वैसे साथ में ये सेक्स को भी ले जाते हैं जिसके अंदर मेलेनिन है. तो इस तरीके से मेलेनिन एपिडर्मिस में ऊपर पहुँचता रहता है. दिस मेलेनिन एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन, क्योंकि ये जो है मेलेनिन दिस स्कैटर्स एंड डिस्पर्स द सन रेज. अगर ये सन रेज अनचेक्ड रही, इफ दिस सन रेज रिमेन्स अनचेक्ड, देन दिस कैन कॉज डीएनए म्यूटेशन. नाउ व्हाट हैपन्स इफ डीएनए म्यूटेशन विल अकर, देन देयर विल बी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बिकॉज देयर इज अ प्रोंटो ऑन्कोजीन्स दैट इज एक्सेलरेटर एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दैट आर ब्रेक. तो ब्रेक नहीं लगेगा एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स विल प्रमोट मोर सेल डिवीजन एंड इस तरीके से सेल डिवीजन होता रहेगा स्किन में एपिडर्मिस में एपिथीलियल सेल्स का. एंड जब ये सेल्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा देन दिस विल प्रोड्यूस अ मास कॉल्ड ट्यूमर. नाउ अगर ये म्यूटेट होने लगे, अगर ये एक ही जगह पे लोकलाइज्ड हैं तो दिस आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर. बट अगर ये म्यूटेट होंगे एंड ट्रेवल करेंगे दूसरी साइट में, देन दिस आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर. देन दिस मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर कॉल्ड कैंसर्स बिकॉज दे ट्रेवल फ्रॉम प्रिमिटिव साइट टू अदर साइट्स. नाउ टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर. स्किन कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है. क्यों हुआ? ड्यू टू हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन और यूवी रेडिएशंस और आर्सेनिक. देन जब ये अनकंट्रोल ग्रोथ होगी स्किन के सेल्स की, देन दे कैन प्रोड्यूस अ स्किन कैंसर. देर आर थ्री टाइप्स, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा, देन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड थर्ड इज मेलेनोमा. टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट रोडेंट अल्सर, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा. इट इज़ अ लोकली इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. देयर इज मल्टीपल ग्रोथ्स विच मे बी कन्फर्म टू वन एरिया और मे अकर इन डिफरेंट एरिया. नाउ मेल्स आर ऑफन इन्वॉल्व देन फीमेल्स. प्रोग्रेशन इज स्लो, सो इट इज अ स्लो डेवलपिंग ट्यूमर, स्लो डेवलपिंग अल्सर. बेसल सेल कार्सिनोमा इज स्लो ग्रोइंग, लोकली इन्वेसिव, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्लूरिपोटेंट एपिथीलियल सेल्स. जो एपिडर्मिस में एपिथीलियल सेल्स हैं उनका ग्रोथ हो रहा है, वो मल्टीपल हो रहे हैं एंड ट्यूमर प्रोडक्शन हो रहा है. जब सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं दे आर प्रोड्यूसिंग ट्यूमर एंड अराइज फ्रॉम बेसल एपिडर्मिस एंड हेयर फॉलिकल. एज वी हैव स्टडीड कि एपिडर्मिस में जो बेसल लेयर थी, बेसल स्ट्रेटम से ये अराइज हो रहे हैं एंड एपिडर्मिस में ऊपर तक पहुँच रहे हैं सुपरफिशियली.
So growing superficially spreads over epidermis and it rarely metastasizes, can invade the dermis and can invade the bone. So it erodes into deeper plane like soft tissues, cartilages and bones, hence the name rodent ulcer. So that's why इसको rodent ulcer बोलते हैं. अब जो स्किन है जहाँ पे अल्सर फॉर्म होगा लाइक इन फेस में अगर हो गया तो वहाँ पे जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पे ड्राई स्कैब दिखेगा. देयर बी फॉर्मेशन ऑफ शीट्स आइलैंड्स आइलैंड्स दिखेंगे शीट्स दिखेंगी. एंड जो पेरिफेरल होगा उस लोकेशन में जो पेरिफेरल होगा वहाँ पे बीडेड अपीयरेंस दिखेगी. सो पर्ली वाइट एच दिखेगा पेरिफेरल जो बॉर्डर है दैट विल लुक लाइक अ बीडेड पर्ली वाइट एच. Now sites for basal cell carcinoma, medial canthus of eye, lateral canthus of eye, nasolabial fold, nose, eyelid, cheek, ear, other sites like scalp, neck, arms and hands. Risk and predisposing factors are age 40 to 80 years mein, main males ko jyada hota hai, fair skin wale logon mein, then jinka exposure UV light se ho gaya, arsenic compounds, coal tar aur aromatic hydrocarbons, infrared rays. एंड अगर किसी की हेरिडिटी में गोल्डन सिंड्रोम है देन दैट पीपल आर मोर प्रोन और एट हाई रिस्क. नाउ इन क्लिनिकल फीचर्स दिस रोडेंट अल्सर्स आर पेनलेस. कलर चेंजेस हो सकते हैं जैसे ब्लैक ब्राउन ब्लू रेड पिंक हो सकता है. रेज्ड एरिया होता है शाइनी एंड पर्ली अपीयरेंस होता है बॉर्डर में जो एज है एंड जो सेंटर है वो ड्राई स्कैब होता है. स्मॉल नोड्यूल की तरह एक स्टार्टिंग हो सकती है इस अल्सर की. देन अल्सर फॉर्मेशन विद रेस्ड एंड रोल्ड एज जो सेंटर है वो दबा हुआ है एंड दिस ग्रोज वेरी स्लोली. नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इट डज नॉट स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स बट लिम्फेटिक्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज ट्यूमर सेल्स एंड इट इज लोकली मैलिग्नेंट. नाउ सी ये एक पिक्चर है जिसमें अल्सर आप देख सकते हैं आइलैंड्स एंड शीट्स बन जाती है एपिथेलियल सेल्स की एंड जो सराउंडिंग पेरिफेरल आप देखेंगे पैलासाइडल अरेंजमेंट है सेल्स का. नाउ इन ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रो डेसिकेशन एंड क्यूरेटेज दैट इज EDC क्रायोसर्जरी कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एंड रेडियोथेरेपी. इन्वेस्टिगेशन में एच बायोप्सी करवाएंगे सिटी स्कैन ऑफ द पार्ट टू सी द डेप्थ एंड वाइड एक्सिजन ताकि पता चल जाए कितनी डेप्थ है तो सिटी स्कैन करवाएंगे. देन जो लोग सर्जरी नहीं करवा सकते या एल्डरी पेशेंट है उनको रेडियोथेरेपी रिकमेंड करेंगे हु आर नॉट सूटेबल फॉर सर्जरी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस. Advantages of radiotherapy can be used as areas difficult to reconstruct, जैसे eyelids हैं, tear ducts हैं, nasal tip है, वहाँ पे skin graft नहीं हो सकता, reconstruction नहीं हो सकता. And radiotherapy is less traumatic, no hospitalization needed, so it is better option.